लॉकडाउन में हैं। इस दौरान गरीब अमीर सभी लोगों को मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। आज हम आसनसोल ब्रह्मा कुमारी सेंटर ड्रीम व्यू पार्क मुर्शिदा में आए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति में हम कैसे ध्यान और मेडिटेशन के द्वारा मानसिक पीड़ा को दूर कर सकते हैं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आसनसोल ग्रीन व्यू पार्क मुर्शिदा कॉलोनी, यहाँ करीबन 20-21 वर्ष से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया जाता है, जिससे मानसिक शांति का और टेंशन मुक्त जीवन का अनुभव कराया जाता है। और इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्य संचालिका ब्रह्मा कुमारी सुनीता। आपसे पहला प्रश्न ये है हमारा, ध्यान क्या है, क्या इसके द्वारा बुरे विचारों का संक्रमण रोक सकते हैं? ध्यान जो है वो हमारा बाहरी जगत का कोई भी इसमें आडंबर नहीं है। ध्यान शब्द जो है यह हम भीतर की ओर जाकर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर अपने को आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप निश्चय कर अपने भ्रकुटी के मध्य एक चमकता हुआ दिव्य सितारा का अनुभव करते हैं। और आत्मा का जो पिता परम प्यारे, जिसको हम परमात्मा ईश्वर प्रभु गॉड कहते हैं, उनके साथ स्नेह युक्त स्मृति ही वास्तव में ध्यान है। इसे ही लोग मेडिटेशन भी कहते हैं, जिससे बुरे संकल्पों का, विचारों का, नकारात्मक सोच का कट होता है। क्योंकि परमात्मा को याद करने से हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी आती है और पॉजिटिव एनर्जी के कारण हमारे बुरे विचारों को समाप्त करने में हम सक्षम होते हैं। इसलिए यह राजयोग जो है हमें आत्मविकास में, मनोबल में बहुत ही सहायक अनुभव करती है। हमारा दूसरा सवाल यह है कि इस कोरोना की महामारी में रोग संबंधित तनाव को सहज कैसे किया जा सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी का जो दौरान है चारों तरफ तो इसी का कहर है। तो हमारा कहना है कि इस महामारी से सबसे पहले तो डरे नहीं, इस महामारी को सामना करें और चिंता ना करें। जो भी हमें अभी समय मिला है उस समय को सदुपयोग कार्य में लगाएं, मन को बिजी रखें, अच्छे अच्छे विचार दें और जितना हो सके लोगों को भी भला करें और अपनी मन को भी निगेटिव से बचाने का एक सहज ही उपाय है जो हमारा राजयोग मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन के द्वारा ही हम अपने विचारों को सुंदर बना सकते हैं, सकारात्मक बना सकते हैं और अपनी ऊर्जा से अनेकों का जीवन का भी कल्याण कर सकते हैं। इसलिए इस महामारी से डरने व चिंता करने का समय नहीं है, बल्कि परमात्मा को याद करने से हमें एक सामना करने की शक्ति मिलती है। उस सामना करने की शक्ति से इसे डट कर मुकाबला करने की जरूरत है। इस महामारी से लड़ने का हमारे समस्या यही उपाय है। इसके यहाँ कोई ध्यान सिखाने की कोई ऑनलाइन प्रक्रिया है? हाँ है, तो क्या उसका क्या वह निःशुल्क है या फिर इसके लिए कोई शुल्क लगता है? यहाँ का ध्यान जो है वो निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, बट टाइम टेबल दिया हुआ है। जी, किस का क्या टाइम टेबल है इसका? इसका सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में,
शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कोई भी आकर सीख सकते हैं, एवं कोई ऑनलाइन सीखना चाहें तो उनको भी हम सिखा सकते हैं, निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं है। ध्यान के द्वारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए क्या सलाह देंगे आप? ध्यान के द्वारा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हम यही सलाह देना चाहते हैं कि जितना हो सके अपने अंदर में परमात्मा को याद करके, जो अभी हम मेडिटेशन जो कह रहे हैं, इस मेडिटेशन के द्वारा अपनी यूनिटी पावर को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाएंगे? इसके लिए हमें मन को एकाग्र करके परमात्मा के तरफ जोड़ना और निगेटिव बातों से बचना पड़ेगा, क्योंकि अभी चारों तरफ जहाँ न्यूज़ देखते हैं, पेपर देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो सब जगह मुझे निगेटिव पावर ही मिल रहा है। लेकिन एक मात्र उपाय है, जो परमात्मा के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो उसमें हमें परमानंद की अनुभूति होती है। और जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो उससे ऑटोमेटिक हमारे अंदर में जो है एक सकारात्मक एनर्जी ऊर्जा होता है, और उस सकारात्मक एनर्जी के कारण हमारे अंदर में एक ओरा बनता है, और उस ओरा जो है वो हमारा कवच का काम करता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। हमारा अंतिम सवाल है, ध्यान शुष्क प्रक्रिया है या धार्मिक प्रतिक्रिया? क्या इसके द्वारा सभी धर्म पोषित होते हैं? ज्ञान जो है वो हमारा शुष्क प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इस ध्यान के माध्यम से हम परमानंद की अनुभूति करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो था, ये सभी धर्म वालों के लिए है, क्योंकि इसलिए सभी धर्म वालों के लिए है क्योंकि यहाँ सभी आत्माओं के लिए है। तो जब सभी आत्माएं यहाँ आकर अपना सुख शांति आनंद परमात्मा के साथ प्राप्त करते हैं, तो ये जो प्राप्ति है वो सभी आत्माओं के लिए जब है तो यहाँ पर कोई धर्म की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा में कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। इसलिए यहाँ पर कोई भी धर्म के लोग आकर इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। Like, comment, share and subscribe our channel News Moment English and press the bell icon for future updates.